हाँ बोलिए, क्या हुआ था आपके साथ? हम आपको वही पुराना घर का मरम्मत करवाने के लिए गए थे। आ वहाँ मरम्मत पुराना घर था जो पहले पहले का, उसमें कहाँ पर घर है आपका? पता ही अच्छा, हाँ मुजफ्फरपुर पता ही। हाँ वही पुराना घर का मरम्मत करवाने के लिए गए थे, मरम्मत करवा रहे थे। वो हाँ प्लास्टर को चढ़ाई सब हो अथी हो रहा था, काम हो रहा था। हाँ और उसके बाद मैंने कि शुरुए दिन जैसे कि शुरू काम करवाए थे, तो उसी समय सुधीर ओझा मैंने पहला का दिन भी मैंने काम करने के लिए, तो उस समय भी लड़ाई ठान दिए। और उसका फिर दूसरा दिन भी मैंने लड़ाई करने के लिए अथी हो गए, मैंने कि बोलने उलने लगे। उस समय हमारा सब कोई था घर का। लेकिन फिर तीसरका दिन जब हम गए वहाँ प्लास्टर का पानी निकालने लगे, और पोचारा ऊपर करवाना था और दरवाजा पीछे से गेट खोले थे तो उसका लगवाना था, तो उसी बीच में उनका मैंने पानी गिराने लगे, तो उनका भतीजा थो अथी सुधीर ओझा का भतीजा जो है टुनटुन नाम है अमरजीत, तो वो का किया कि पानी नहीं गिराने दिया और कोदारी चलाने लगा। हम पानी मैंने गिराने लगे तो नहीं गिराने दिया, उसके बाद कोदारी चलाने लगा। कोदारी अथी करें तो जब से लम्हे तो सुधीर ओझा आ गए और का किए कि बोले कि पानी खोलो से बहुत ही तेज बनती है, से बहुत मैंने आके काम करवाने के लिए से बहुत तेज बन रही है, से खोलो पानी, इसको पानी पटा देते हैं। बस पानी खोला वह भतीजा उनका, और पानी खोल करके पूरा मुंह पर से पाइप मोटा पाइप बल पानी पूरा ऐसे ऐसे करके पूरा पानी अथी किए, पूरा देह गीला हो गया, शॉल उल सब भीग गया, एकदम बहुत ठंडा भी उस दिन था 26 तारीख को। और उसके बाद इतना ठंडा लगने लगा कि हम अकेले थे, हमारे साथ कोई नहीं था, मेरा यहाँ से कोई नहीं था, हम अकेले वहाँ काम कर रहे थे, सब अगल बगल के देख भी रहे थे, वहाँ कोई बोलने वाला भी नहीं था। उसके बाद से फिर जब हम वहाँ से निकलने का कोशिश किए उधर पीछे गेट से, उन्हीं का गेट से, तो उसके बाद पकड़ करके हमको हाथ खींच करके कि पकड़ो पकड़ो इसको बंद करो घर में से, और पकड़ करके घर में बंद करो, उसका सब खींच खाँच के ले गया वही मैंने उनका भतीजा और वो अपने, और सब खींच खाँच के ले करके उसका दरवाजा बंद कर लिया, उसका साड़ी उड़ी खींच खाँच करने लगे। आ उसी में मैंने कि मैंने साड़ी उड़ी खींच कर मैंने बेइज्जत करने का कोशिश किए, और उसके बाद से मैंने भागा अथी होने, हम अपना बचाने के लिए चिल्लाने लगे, तो क्या किए कि वो मैंने अथी था 10-15 हजार रुपया था पर्स में, जो काम कराने के लिए हम ही थे इसलिए मेरे पास था, तो वो पैसा छीन लिए और ऐसे कर करके सुधीर ओझा गर्दन पकड़ने लगे और गर्दन से चेन छीन लिए। उसके बाद से कैसा हूँ हम चिल्ला करके अपना जान बचा करके भागे वहां से, और तब फिर हम जा करके रोड पर गए। उसके बाद ऑटो पकड़ के मैंने हम लोग वहाँ पर एक फकीरा चौक है वहीं पर रोड पर गए और ऑटो पकड़ के चल गए भगवानपुर। अकेले थे, उस समय तक मेरे साथ कोई नहीं था, पूरा कपड़ा गीला हुआ था ठंडा से, मैंने एकदम ठिठुर रहे थे, एकदम कपड़ा पूरा गीला था। उसके बाद चल गए भगवानपुर, भगवानपुर गए तो थाना में रिपोर्ट लिखवाए। कौन थाना था ये? सदर थाना, भगवानपुर में सदर थाना है, जो हमको तो पता नहीं था, लेकिन हम पूछ करके गए ऑटो वाला से, सदर थाना में गए रिपोर्ट लिखवा लिए। रिपोर्ट लिखवा करके फिर उसके बाद से तो थाना वाला कोई मदद नहीं किया? थाना वाला मैंने एक डेढ़ घंटा के बाद थाना वाले पता मैंने आए हमारे यहाँ, बोले कि जाकर के कपड़ा चेंज कर लो। हम वहीं पर अब कहाँ जाएंगे, हम तो बाजार से ही जाते थे काम करवाने, गाँव में रहते नहीं थे, तो उसी का किए कि बगल में मैंने बहन का डेरा, वहीं जाके कपड़ा चेंज किए। और उसके बाद से फिर मैंने गांव गए, उसका डेढ़ घंटा खूब मैंने वो अंगने का थी जो ठंडा मैंने वो आग उगता पाई। तो थाना वाला के लोगों को कुछ नहीं बोला, बस समझा के चला गया, यही ना? हाँ, समझा करके उन लोग को मैंने, और कोई एक्शन नहीं लिया थाना? नहीं, एक्शन नहीं लिया। चलिए ठीक।